अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन पिछले अध्यायों में हमने भारतीय लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम व्यक्तियों की भागीदारी को समझने का प्रयास किया इस अध्याय में लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे कुछ जन आंदोलनों के अध्ययन द्वारा हम ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे जन आंदोलन क्या होता है लोकतंत्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है 16.1 सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की जाती है हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मतदान निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार सक्रिय दबाव समूह और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहभागिता के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्य प्रकार हो सकते हैं आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाते हैं जो शासन के नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है 6.1.1 पॉइंट नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा राज्य है यह नियमगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बाक्साइट, एलमियम एस्क का भंडार है राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया था यह एक वन्य क्षेत्र था इसलिए यहाँ खनन के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी कंपनी ने सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली सत्ताईस जनवरी 2009 का दिन था कंपनी की मशीनें खनन प्रारंभ करने के लिए पहुंच चुकी थी लेकिन उसी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नियमगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे थे देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए एक आंकड़े के अनुसार लगभग दस महिलाएं व पुरुष एकत्रित हो चुके थे ये लोग नहीं चाहते थे कि नियमगिरी पहाड़ी में खनन कार्य किया जाए इन लोगों ने बुलडोजरों से नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया इस प्रकार सत्रह किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर पूरे नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया प्रदर्शनकारियों के पास जो तख्ती थी उन पर लिखा था वेदांत वापस जाओ नियमगिरी में खनन बंद करो आइए अब इस घटना के कारणों को समझते हैं सरकार का मानना था के विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता थी इस परियोजना में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्यूमिना रिफाइनरी तीन मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइड खान कालाहांडी जिले के लंजीगर में 75 मेगावाट का बिजली संयंत्र का निर्माण होना था इन सब के लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होना था जिससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ते दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं यह एक जनजातीय क्षेत्र है जहां डोंगरिया कोंड डोंगरिया कुत और अन्य जनजातियां लंबे समय से निवास करती हैं नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियम राजा पेनू नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियम राजा के रूप में करती हैं उनका मानना है कि नियम राजा उनकी रक्षा करता है ये लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन वन्य जीव नदी झरनों आदि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता और उनकी आजीविका के साधन छिन जाते जब से सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था तभी से ये जनजातियाँ खनन परियोजना का विरोध कर रही थीं इसके लिए इन लोगों द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया गया कुछ अन्य समाज सेवियों ने भी जनजातीय लोगों की मदद की सरकार द्वारा जनजातियों की मांग पर परियोजना की जांच के लिए कई समितियाँ गठित की गई इन समितियों ने यह पाया कि कंपनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की थी जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट जिसके तहत जनजातीय वनांचलों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे का उल्लंघन था नियमगिरी के जनजातीय लगातार जुलूस प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं अंततः सभी ग्राम सभाओं ने एकमत होकर खनन के विरोध में मतदान किया इस प्रकार जनजातीय लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती 16.1.2 सूचना के अधिकार का संघर्ष अभी हमने ओडिशा के जनजातियों की कहानी को समझने का प्रयास किया था आइए अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं मध्य राजस्थान के ज़िले अजमेर भीलवाड़ा पाली और राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजना अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएं पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी उन्नीस सौ में जब न्यूनतम वेतन ग्यारह रुपये था आमतौर पर पुरुषों को सात या आठ रुपये के हिसाब से और महिलाओं को पांच या छह रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी परेशान होकर यहाँ के मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी कई सरकारी कार्यालयों से शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली इस पर मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करने पर विचार किया इसके लिए एक मई 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया कुछ समाज सेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने दिए भूख हड़ताल की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी इस पर संगठन ने तय किया कि एक गांव के बारह मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे साथ ही वे अपने कार्य की नाप भी खुद ही करेंगे लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली इसके बाद क्षेत्र के मजदूर और किसानों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया एक लंबे समय के बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से इन बारह मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया सरकार द्वारा मज़दूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था उसे मस्टर रोल कहते थे मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंचों द्वारा उतने वेतन का भुगतान नहीं किया गया जितना कि सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया था कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुगतान किया गया था जो उस गांव में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था मजदूरी कम दिन की की गई और भुगतान अधिक दिन का किया गया ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे